और यातायात व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए स्वयं क्षेत्राधिकारी नगर नवीन कला मंडी स्तर पर बड़ी संख्या में फोर्स को लेकर मौजूद थे। आइए आपको भी दिखाते हैं। 4 दिसंबर के दिन नवीन गल्ला मंडी स्थल पर बड़ी संख्या में रोडवेज बस, निजी वाहन और हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे। अब इन सबको बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर यातायात व्यवस्था देने के लिए स्वयं क्षेत्राधिकारी नगरवाद यातायात संतोष कुमार बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ नवीन गल्ला मंडी स्थल पर दिखाई दिए। उनके साथ यातायात प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, उप निरीक्षक RD शर्मा, उप निरीक्षक लाखन सिंह, शहर कोतवाल अजीत सिंह, कोतवाली वरिष्ठ उप निरीक्षक ओमकार नाथ यादव मौजूद थे। तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं, गल्ला मंडी के गेट पर ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जो कि यहां पहुंचने वाले लोगों को नियम और कायदे बताने का काम कर रहा है। वहीं कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक ओमकार नाथ गाड़ी में माइक के जरिए लोगों को दिशा निर्देश देते दिखाई दे रहे हैं। वहीं नवीन गल्ला मंडी स्थल पर चुनाव ड्यूटी में पहुंचने वाले हजारों की संख्या में लोग अपने वाहनों से पहुंच रहे थे, जिन वाहनों को डाइवर्ट करने का काम भी पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। गेट नंबर 1 के पास बने बड़ी मैदान में सभी वाहनों को रोका गया, जिसके बाद सभी को ड्यूटी वितरण स्थल तक पैदल जाने की अनुमति थी। सुबह से लेकर देर शाम तक यहाँ पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करते देखा गया। वहीं दूसरी ओर 5 दिसंबर के दिन होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, इसके लिए पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने क्या बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। पूरे जनपद के सभी मतदान केंद्रों पे, सभी बूथ पे पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी लगे हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स PSC और विभिन्न जनपदों से आए हुए पुलिस बल लगा हुआ है, जिससे कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। आयोग के मानक के अनुरूप सभी जगह पुलिस बल लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में बूथ के बाहर भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जिससे अगर बूथ के बाहर भी किसी तरह की विवाद की कोई संभावना न रहे और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो हम तत्परता से उसे निपट सकें। इसके लिए बड़ी संख्या में हमारी मोबाइल पार्टियां भी लगाई गई हैं, जो 5 मिनट के अंदर हर बूथ पर पहुंचती रहेंगी, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराया सके। वल्नरेबल और क्रिटिकल की बात करें तो कितनी संख्या है, उसमें कोई परिवर्तन किया गया है सुरक्षा को लेकर? हमारा पूरा जनपद ही संवेदनशील है और सभी जगह हमारे सशस्त्र कर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान नियुक्त हैं, इसलिए हम पूरे जनपद में सतर्कता व्यवस्था रखे हुए हैं और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, जिससे कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो सके। कितने जवान होंगे? हमारे लगभग 20,000 के कर्मी में लगे हुए हैं संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में। इसके अलावा हमारे सादे कपड़े में और लाइन डायरेक्ट ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। ठीक है।